आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि भाई जो बाहर फिटमेंट होती है और जो कंपनी से फिटमेंट होके आती है उसमें कितना फर्क है। तो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत स्पेशल जाने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की जो फिटमेंट वाली गाड़ियां होती हैं और बाहर के फिटमेंट में कितना खास फर्क होता है सीएनजी के पार्ट्स के अंदर। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद है, हमारी इजी ड्राइव के नाम से वर्कशॉप है जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर है। पिछले 10 से 12 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो आज मेरे पास जो गाड़ी खड़ी है ये है आपकी हुंडई की एक्सटर और एक साइड में गाड़ी खड़ी है आपकी मारुति की बलिनो। वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि एक अवेयरनेस देना कि जो भी कस्टमर्स हैं वो जागरूक हो जाए इस चीज को लेकर कि बाहर की जो फिटमेंट है और जो कंपनी की फिटमेंट के पार्ट्स में कितना ज्यादा फर्क होता है। एक्सटर के अंदर कंपनी से फिटमेंट होके आ गई है, यानी कि एक्सटर आप खरीदते हैं तो उसमें सीएनजी आपको फिटेड मिलेगी। बाहर से भी अप्रूवल आ चुका है, ये गाड़ी आई है फेज टू के अंदर और फेज टू में बाहर से जो अप्रूवल आया है वो मीजो एक ऐसी कंपनी ने सबसे ज्यादा अप्रूवल लिए हैं। तो आज हम मीजो के किट लगा रहे हैं बलिनो के अंदर। अगर आपने एक्सटर की गाड़ी खरीदी है तो एक्सटर में आप सीएनजी लगवा सकते हैं, बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये जो गाड़ी है इसमें हमने किट नहीं लगाई है, ये सिर्फ कंपनी फिटेड गाड़ी है जो कि मेरा पर्पज है दिखाने का कितना बूट स्पेस बचेगा। सेम यही काम आपकी गाड़ी में बाहर होता है। तो दोस्तों यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि गाड़ियों के जो पीछे से हम किट लगाते हैं तो कितना फर्क आता है। दोनों के दोनों गाड़ियों में जो सिलेंडर लगे हैं वो 12 किलो के लगे हैं। यहां पर जो स्टैंड लगाने के बाद, जो सिलेंडर लगाने के बाद जो बूट स्पेस निकल के आता है बलिनो के अंदर, बहुत अमेजिंग बूट स्पेस है। मैं सीट को प्रॉपर अभी फिटमेंट हुई नहीं है तो यहां से आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस निकल के आता है। तो यहां पर मेरा इतना मतलब एक फिट का स्पेस निकल के आता है बलिनो के अंदर, प्रॉपर डक्टिंग का काम हो रखा है। अगर मैं बात करता हूं और क्या खास काम हुआ, यहां पर हमने कवर लगा रखा है क्योंकि कवर से कहीं ना कहीं लुक अच्छी आती है। व्हाइट कलर का इसका व्हाइट कलर का पेंट है इसके ऊपर, ईकेसी इसका ब्रांड है और यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है। ये S2F59C1301 ये इसका सीरियल नंबर है। इसके ऊपर प्रॉपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी दी हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ रबड़ का मतलब है कि सिलेंडर की ग्रिप को अच्छा बना देता है। और हम बात करते हैं कि बैक साइड से कैसे फिलिंग होती है, तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो बैक फिलिंग वॉल्व है वो लगाया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर, ये बैक फिलिंग वॉल्व लगाया जाएगा। ये तो रहा कि बलिनो के अंदर जो बाहर से रेट्रोफिटमेंट से काम हो रहा है, ये हमारे यहाँ का काम है। मैं सबकी जो बाहर सारे फिटमेंट करते हैं सबकी मैं नहीं बोलता हूँ कि कौन किसकी कैसी फिटिंग होती है, हर एक बंदे के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी है एक्स्टर जो कि कंपनी फिटेड है, आप देखिएगा बहुत सुंदर स्टैंड है, सेम वैसा ही स्टैंड यहाँ पर है। और इसमें जो स्पेस निकल के आ रहा है, क्योंकि गाड़ी एक्स्टर है थोड़ी बलिनो के कंपैरिजन में कम स्पेस है, तो इसमें आधा फिट का स्पेस निकल रहा है, बलिनो में आपका एक फिट का स्पेस निकल रहा है। यहाँ पर भी आपकी ग्रिपिंग लगाई हुई है रबड़ की, जैसा कि मैंने आपको दिखाई हुई है रबड़ की ग्रिपिंग लगाई है। ये भी व्हाइट कलर का ही सिलेंडर है और ये स्टार कंपनी का सिलेंडर दिया हुआ है इसके अंदर, आपके सीरियल नंबर जो है वो स्टार कंपनी के है। और बूट स्पेस इसमें भी निकल के आता है, तो यहाँ भी डक्टिंग का काम किया हुआ है, उधर भी डक्टिंग का काम है। तो प्रोसेस दोनों का सेम है, बस 19-20 कहीं ना कहीं चीजों का फर्क रहता है। यहाँ भी वही प्रोसेस है, उधर भी वही प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं बैक फिलिंग वॉल्व की, तो इसमें भी बैक फिलिंग वॉल्व यानी कि पीछे से ही गैस आप फिल करा पाएंगे। बलिनो के अंदर भी हमने प्रोविजन दिया है कि बैक साइड से गैस फिल होगी, तो यहाँ भी आप देखिएगा बैक फिलिंग वॉल्व निकला हुआ है। तो मैं भी अपना बैक फिलिंग वॉल्व दिखा देता हूँ आपको एक बार लाना। यहाँ भी जो बलिनो के अंदर बैक फिलिंग वॉल्व है वो भी आप देखिएगा बिल्कुल वैसा ही बैक फिलिंग वॉल्व है, ब्लू कलर का बैक फिलिंग वॉल्व है और यहाँ से गैस फिल होने का प्रोविजन दिया जाएगा। आपने देखा होगा एक्स्टर के अंदर, उसमें भी ब्लू कैप है और सेम उसी टाइप का बैक फिलिंग वॉल्व लगाया हुआ है। तो ये तो रहा कि बैक साइड से हमने कैसा काम किया। यहाँ पर आपकी दी हुई है कंप्लायंस प्लेट जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिलेंडर का नंबर क्या है, डेट क्या है। ये डेट दी हुई है 13/9/2023, यानी कि गाड़ी की जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ये प्लेट हुई है, कब एक्सपायर होना है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से जब बात की जाती है तो सीएनजी किट के अंदर टोटल निकलते हैं 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में आता है रिड्यूसर, ईसीएम, इंजेक्टर्स, आपका रीफिलिंग वॉल्व, सिलेंडर वॉल्व। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स्ट्रा के साथ में। दोस्तों हुंडई की गाड़ियों के अंदर जो कंपनी से फिटमेंट होके आती है तो सबसे पहले नंबर आता है रिड्यूसर का। तो यहाँ पर जो रिड्यूसर दिया हुआ है वो टोमेस्टो का रिड्यूसर दिया हुआ है, और ये टोमेस्टो का रिड्यूसर दिया हुआ है, टोमेस्टो का जो इसका जो नंबर है 8012 के नाम से आता है ये। और यहाँ पर दिए हुए 4 इंजेक्टर्स 1, 2, 3, 4 सेम स्टैंडर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा फिटमेंट का फर्क होता है। ईसीएम जो है
कौन सी कंपनी का है उसका मैप से पता लगता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैप पे साफ साफ लिखा हुआ है AEB, यानी कि ये इनको दिया हुआ है AEB कंपनी ने। इटली की सबसे बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर ECM प्रोवाइड करती है। तो इस गाड़ी के अंदर ECM जो प्रोवाइड किया हुआ है AEB कंपनी ने किया हुआ है। अब ECM पीछे की तरफ छुपा हुआ है तो कैमरे में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैप जो है, मैप सेंसर जो है, ये ECM का ही पार्ट होता है। तो मैप सेंसर अगर AEB का है तो कहीं ना कहीं ECM भी AEB ने दिया होगा। अब मैं बात करता हूं कि बलिनो गाड़ी के अंदर जो हम किट लगा रहे हैं वो टोमेस्टो टाइप रिड्यूसर आता है AT12। यहाँ पर हमने मीजो कंपनी ने अप्रूवल लिया हुआ, तो मीजो का रिड्यूसर लगाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि मैप सेंसर यानी कि ECM कौन सा लगाया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी में फ्रंट में हमें दिखाया हुआ है, बिकॉज हमें सारे सीरियल नंबर दिखाने होते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं ECM जो है AEB कंपनी ने तैयार करके दिया हुआ, सेम ECM है जो ECM आपको यहाँ देख सकते हैं, AEB कंपनी ने ECM दिया हुआ है। क्योंकि ECM जो है उस गाड़ी का छुपा हुआ था तो पता नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मैप सेंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने मैप सेंसर आपको एक्स्ट्रा में दिखाया था वही मैप सेंसर मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये इसका मैप सेंसर है जो हमने लगाया है, ये भी आपका सेम आपका AEB कंपनी का है। साफ थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सेम मैप सेंसर हमने बलिनो में लगाया है जो आपका एक्स्ट्रा में लगा हुआ आया है। तो मेरा पर्पज ये है दिखाने का, फिटमेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, सारे के सारे फिटमेंट को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दिया है, ट्रिपल लेयर वायरिंग है इसकी, कूलेंट के कनेक्शंस हैं उसमें भी, कूलेंट के कनेक्शंस हैं। तो आपके पास भी अगर एक्स्ट्रा गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, BS6 Phase 1 है, Phase 2 है, मैक्सिमम गाड़ियों के अप्रूवल आ चुके हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।